जांजगीर चांपा जिला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां चलती कार में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है अंबेडकर चौक पहुंचते ही ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। ये कहावत तो हम सब ने सुना है कि मौत कभी भी बताकर नहीं आता, और जब मौत आती है तब अचानक ही आती है। किसी को भी नहीं पता कि किसकी मौत किस समय आएगी। अकलतरा में रविवार को एक ऐसा ही घटना हुआ है, जहां कार चलाते हुए चालक को हार्ट अटैक हो गई और उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बुकिंग पर परिवार को कोरबा ले जाते समय नगर के अंबेडकर चौक के पास कार के ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और कार चलाते समय ही उसकी मौत हो गई। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। मस्तूरी निवासी वीरेंद्र कुमार मरकाम ने मस्तूरी के दशरथ तिवारी उम्र 46 साल की कार को किराए पर लिया और अपने परिवार साथ कोरबा जिला के भैंसमा में रहने वाले रिश्तेदारों से मिले जा रहे थे। कार में वीरेंद्र कुमार मरकाम, उसकी पत्नी और दो बच्चे बैठे थे। वहीं कार का मालिक ही कार को चला रहा था, जिसका नाम दशरथ तिवारी बताया जा रहा है। कार जैसे ही अकलतरा के अंबेडकर चौक के पास गुजर रही थी, ठीक उसी समय दशरथ तिवारी को हार्ट अटैक आ गया और वह बेहोश होकर सीट पर ही लुढ़क गए। अचानक ड्राइवर के बेहोश हो जाने से कार में सवार लोगों के होश उड़ गए। कार स्पीड में नहीं थी, इसलिए कार सवार लोगों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। सड़क में थोड़ी दूर जाने के बाद कार किनारे जाकर के खुद ब खुद बंद हो गई। कार रुकने पर ड्राइवर दशरथ तिवारी को इलाज के लिए CHC अकलतरा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। यह घटना नगर में पूरे दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।